शिक्षकों के साथ बातचीत करते हुए प्रधानमंत्री ने देश के युवा दिमागों को विकसित करने के प्रयासों की सराहना की। राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मान समारोह में राज्यपाल ने शिक्षकों को सम्मानित किया। भारत के पहले सौर मिशन आदित्य L1 ने धरती की कक्षा बदलने की दूसरी प्रक्रिया सफलतापूर्वक पूरी की। और आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर भाजपा के वरिष्ठ नेता, पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं से लगातार कर रहे हैं संपर्क। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार, मैं हूं दिबागनी। अब समाचार विस्तार से। शिक्षक दिवस की पूर्व संध्या पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल नई दिल्ली में राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार के लिए चयनित शिक्षकों के साथ बातचीत की। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने देश के युवा दिमागों को विकसित करने में शिक्षकों के प्रयासों की सराहना की। उन्होंने अच्छे शिक्षकों के महत्व और देश की नियति को आकार देने में उनकी भूमिका पर प्रकाश डाला। श्री मोदी ने बच्चों को जमीनी स्तर पर उपलब्धि हासिल करने वालों की सफलता के बारे में शिक्षित करके प्रेरित करने के महत्व पर जोर दिया। श्री मोदी ने स्थानीय विरासत और इतिहास पर गर्व करने की बात की और शिक्षकों से छात्रों को अपने क्षेत्र के इतिहास और संस्कृति के बारे में जानने के लिए प्रेरित करने का आग्रह किया। देश में विविधता की ताकत पर प्रकाश डालते हुए उन्होंने शिक्षकों से अपने स्कूलों में देश के विभिन्न हिस्सों की संस्कृति और विविधता का जश्न मनाने का अनुरोध किया। चंद्रयान 3 की हालिया सफलता पर चर्चा करते हुए प्रधानमंत्री ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी के बारे में छात्रों में जिज्ञासा को प्रोत्साहित करने के महत्व को रेखांकित किया, क्योंकि 21वीं सदी प्रौद्योगिकी द्वारा संचालित सदी है। उन्होंने युवाओं को कुशल बनाने और उन्हें भविष्य के लिए तैयार करने के महत्व के बारे में भी बात की। महान शिक्षक सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन की जयंती को आज शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस अवसर पर आज राज्य शिक्षक सम्मान पुरस्कार प्रदान किए गए। राजभवन में आयोजित राज्य स्तरीय समारोह में राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन ने 48 शिक्षकों को राज्य शिक्षक सम्मान और 4 शिक्षकों को साहित्यकारों के नाम पर स्मृति पुरस्कार से सम्मानित किया। विकासखंड नारायणपुर, जिला नारायणपुर में पदस्थ हैं। कृपया करतल ध्वनि कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राज्यपाल ने शिक्षकों के रूप में सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन, रविन्द्रनाथ टैगोर और अरविंदो द्वारा समाज को दिए गए योगदान का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि मेहनत और लगन के कारण ही राज्य के शिक्षकों को भी सम्मानित किया जा रहा है। Considered education as a mission, was of the opinion that the right person to be a teacher is the person who is more intelligent than other people of the society. वहीं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि भारत में गुरु शिष्य की परंपरा प्राचीन काल से चली आ रही है और राष्ट्र निर्माण में शिक्षकों की प्रमुख भूमिका होती है। राष्ट्रपति कहलाना तो कम पसंद करते थे, शिक्षक कहलाना पसंद करते थे, और आखिरी वक्त भी जब शिलांग में वो व्याख्यान दे रहे थे उस समय भी वो शिक्षकीय कार्य करते हुए अपने प्राण त्यागे थे। राष्ट्र निर्माण में, समाज के निर्माण में शिक्षकों की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका। आदिकाल से हम लोग देख रहे हैं भारत में गुरु शिष्य परंपरा रही है, और जब हम राम को याद करते हैं तो वशिष्ठ को भी याद करते हैं, कृष्ण को याद करते हैं तो संदीपनी की याद करते हैं, विवेकानंद जी की तस्वीर यहाँ लगी है यदि वहीं याद करते हैं तो
बरबस रामकृष्ण परमहंस की याद आती है। समारोह में राज्यपाल पुरस्कार से सम्मानित व्याख्याता नामिका चक्रवर्ती ने बच्चों का आह्वान किया कि वे जीव विज्ञान को बोझ न समझें बल्कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण के साथ जीवन मूल्य का अध्ययन करें। और जीव विज्ञान शिक्षण के लिए राज्यपाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इस अवसर पर मैं अपने साथी शिक्षकों और बच्चों को ये कहना चाहती हूँ, विशेषकर विज्ञान विषय को वो विषय न समझें, बोझ न समझें और उसे एक जीवन दर्शन के रूप में अपने अंगीकृत करें। वो तार्किक ढंग से सोचें, जीवन के हर क्षेत्र में विज्ञान के जो लॉजिकल मेथड्स हैं उनको अपनाएं और अंधविश्वास से मुक्त एक स्वस्थ समाज बनाएं। समारोह में शिक्षा मंत्री रविंद्र चौबे भी उपस्थित थे। भारत के पहले सौर मिशन आदित्य L1 ने धरती की कक्षा बदलने की दूसरी प्रक्रिया सफलतापूर्वक पूरी कर ली है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के टेलीमेट्री ट्रेनिंग और कमांड नेटवर्क ने इस प्रक्रिया का संचालन किया। आइए देखते हैं एक रिपोर्ट। ये दो तस्वीरें भारत की अंतरिक्ष में ऊंची उड़ान की गवाह हैं। चंद्रयान 3 की सफलता के 10 दिन में ही भारत ने आदित्य L1 को रवाना कर अंतरिक्ष में एक और ऊंची उड़ान भरी है। उत्साह से लबरेज राष्ट्रीय अंतरिक्ष एजेंसी ने आदित्य L1 मिशन की सफल लॉन्चिंग के साथ दुनिया को अपनी बादशाहत का स्पष्ट संदेश दे दिया। इस मिशन का उद्देश्य सूर्य का अध्ययन करना है। आदित्य L1 की सफल लॉन्चिंग के बाद इसरो के अध्यक्ष S. सोमनाथ ने सभी को बधाई देते हुए कहा कि ये उनके लिए एक बिल्कुल ही अलग मिशन है। वहीं आदित्य L1 प्रोजेक्ट डायरेक्टर ने इसे सपना साकार होना बताया। सूर्य के बारे में जानने की इच्छा मानव के मन में आदिकाल से ही रही है। ऐसे में ये मिशन उन तमाम जिज्ञासाओं का उत्तर खोजने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। अंतरिक्ष यान को सूर्य और पृथ्वी के बीच के लैग्रेंजियन बिंदु 1 यानी L1 के चारों ओर एक प्रभा मंडल कक्षा में स्थापित किया जाएगा जो पृथ्वी से लगभग 15 लाख किलोमीटर दूर है। दरअसल लैग्रेंजियन बिंदु वे बिंदु हैं जहां दो वस्तुओं के बीच कार्य करने वाले सभी गुरुत्वाकर्षण बल एक दूसरे को निष्प्रभावी कर देते हैं। इस वजह से L1 बिंदु का उपयोग अंतरिक्ष यान के उड़ने के लिए किया जा सकता है। आदित्य L1 को लैग्रेंजियन बिंदु L1 तक पहुंचने में करीब 4 महीने का समय लगेगा। इस वक्त यह 15 लाख किलोमीटर का सफर तय करेगा। चंद्रयान 3 की तरह यह भी अलग अलग कक्षा से गुजरकर अपने गंतव्य तक पहुंचेगा, यानी आदित्य L1 को भी सीधे नहीं भेजा गया है। आदित्य L1 सूर्य के वायुमंडल के सबसे बाहरी भाग, सौर कोरोना की बनावट, इसके तापमान, सौर विस्फोट और सौर तूफान के कारण और उत्पत्ति को लेकर जानकारी जुटाएगा। मिशन के जरिए सूरज में होने वाले सबसे शक्तिशाली विस्फोट जो सीधे पृथ्वी की ओर आते हैं उनकी उत्पत्ति, विकास और गति के साथ ही सौर हवाओं और अंतरिक्ष के मौसम को प्रभावित करने वाले कारकों का अध्ययन किया जाएगा। आदित्य L1 अपने साथ 7 वैज्ञानिक पेलोड का एक सेट ले गया है। विजिबल एमिशन लाइन कोरोनाग्राफ सूर्य के वायुमंडल के सबसे बाहरी भाग यानी सौर कोरोना और कोरोनल मास इजेक्शन की गतिशीलता का अध्ययन करेगा। सोलर अल्ट्रावायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप नामक पेलोड अल्ट्रावायलेट के निकट सौर प्रकाशमंडल और क्रोमोस्फीयर की तस्वीरें लेगा। इसके साथ ही SUIT UV के नजदीक सौर विकिरण में होने वाले बदलाव को भी मापेगा। आदित्य L1 के 7 पेलोड की खास बात यह है कि ये देश में विभिन्न योगशालाओं द्वारा स्वदेशी रूप में विकसित किए गए हैं। भारत से पहले दुनिया के 3 देश अमेरिका, जर्मनी और यूरोपियन स्पेस एजेंसी सूर्य पर मिशन भेज चुके हैं। सूरज की तरफ भेजे गए कुल 22 मिशनों में से 14 मिशन अकेले नासा के रहे हैं, जबकि उसने 5 मिशन जर्मनी और यूरोपियन स्पेस एजेंसी के साथ मिलकर लॉन्च किए हैं। हाल के दिनों में चांद के दक्षिणी ध्रुव पर विक्रम और प्रज्ञान की चहलकदमी और अब सूर्य की तरफ बढ़ते कदम ये साबित करते हैं कि भारत न केवल दुनिया के विकसित देशों के साथ कदम ताल कर रहा है बल्कि अंतरिक्ष के क्षेत्र में एक जिम्मेदार महाशक्ति के रूप में उभर रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार के पूर्व कैबिनेट मंत्री और छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव मीडिया प्रभारी सिद्धार्थनाथ सिंह ने राज्य की कांग्रेस सरकार की नीतियों पर निशाना साधा है। बिलासपुर में पत्रकारों से बात करते हुए श्री सिंह ने राज्य सरकार पर भ्रष्टाचार और वादा खिलाफी का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार ने प्रदेश में शराबबंदी नहीं की। एक अन्य सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि प्रदेश के खदानों को निजी हाथों में देने के लिए राज्य सरकार ही NOC दे रही है। कोल ब्लॉक राज्य केंद्र की सरकार से यहाँ पे मिला तो उस उद्योगपति को,
यह एनओसी राज्य के अधीन आता है एक्ट के तहत, लेजिस्लेशन के तहत। तो एनओसी तो आपने दिया, तो आपने क्यों दिया? और आपकी राजस्थान की सरकार भी तो आप ही की है। जो प्रश्न उठाते हैं वो तो कृपया करके, क्योंकि राहुल गांधी क्या बोलते हैं उसी को आप रिपीट कर दोगे। तो कभी तो मैं बार बार कह रहा हूं, कार्बन कॉपी करना बंद करें। भाजपा नेता ने कई अन्य मुद्दों पर राज्य सरकार के खिलाफ सवाल खड़े किए। राजनांदगांव में भारतीय जनता पार्टी ने बूथ स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया। सोमनी में हुए सम्मेलन में भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह और अन्य वरिष्ठ नेता शामिल हुए। इस मौके पर मीडिया से चर्चा करते हुए डॉ. रमन सिंह ने कहा कि सम्मेलन में भाजपा सरकार की उपलब्धियों से कार्यकर्ताओं को अवगत कराया गया है, ताकि वे चुनाव के दौरान पूरी तैयारियों के साथ जनता के बीच जा सके। 15 साल भारतीय जनता पार्टी के विकास यात्रा का पूरा सामग्री उनको दी गई है, ताकि वो कार्यकर्ता आने वाले चुनाव के लिए पूरी तरीके से तैयार होकर चुनाव के मैदान में आए। और उनको आज रणनीति भी बताया गया कि उन्हें क्या करना है, करणीय कार्य क्या क्या हैं। ये कार्यकर्ता, नए कार्यकर्ता भी, बुजुर्ग कार्यकर्ता भी, बूथ स्तर के सशक्त टीम है राजनांदगांव में, उनके सारे लोगों की उपस्थिति में 4 घंटे चर्चा हुई। वहीं श्री सिंह ने एक राष्ट्र एक चुनाव की नीति को सही बताते हुए कहा कि अगर ऐसा होता है तो इसका स्वागत है। उन्होंने कांग्रेस द्वारा इस नीति का विरोध किए जाने को लेकर कहा कि कांग्रेस राष्ट्रहित के हर मुद्दे का विरोध करती है। राष्ट्रहित की बात का विरोध करना आदत बना लिया। मोदी जी कुछ अच्छे कदम उठाते हैं और देश उसका स्वागत करता है। वो 370 का विरोध करने वाली कांग्रेस, सर्जिकल स्ट्राइक का विरोध करने वाली कांग्रेस, इस हिंदुस्तान के विकास के लिए मोदी जी के प्रयास का विकास करने वाला, अब इसमें वन नेशन वन इलेक्शन में आप सुझाव दो ना भाई। देश का अरबों रुपया खर्च होता है हर चुनाव में, हर महीने चुनाव होते हैं, 5 साल चुनाव होते हैं, आचार संहिता लगा रहता है, डेवलपमेंट रुक जाते हैं। ये धीरे धीरे सिस्टम में लाया जाए और एक कानून बना के पार्लियामेंट में इसको मंजूर किया जाए, इससे ज़्यादा प्रोग्रेसिव कदम नहीं हो सकता। डॉक्टर सिंह ने राज्य सरकार द्वारा संविदा स्वास्थ्य कर्मियों को बर्खास्त करने के निर्णय को अनुचित ठहराते हुए इसकी निंदा की। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर से। शिक्षकों के साथ बातचीत करते हुए प्रधानमंत्री ने देश के युवा दिमागों को विकसित करने के प्रयासों की सराहना की। राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मान समारोह में राज्यपाल ने शिक्षकों को सम्मानित किया। भारत के पहले सौर मिशन आदित्य L1 ने धरती की कक्षा बदलने की दूसरी प्रक्रिया सफलतापूर्वक पूरी की। और आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर भाजपा के वरिष्ठ नेता, पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं से लगातार कर रहे हैं संपर्क। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।